हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल। और अभी एक बज रहा है, दोपहर का टाइम है। बच्चे मेरे खेल रहे हैं इधर, पीयू भी और भजिया बनाया है मैंने, पकौड़ा, वो खा रहे हैं। और जो तब दिखाई दे रहा है उसी में सारे खिलौने रहते हैं। ये लोग सारे खिलौने जितने भी है टॉयस वगैरह ये खेलते हैं, खेलने के बाद उसमें रख देते हैं। हाँ, बेटा हाई कर रहा है, क्यों भी हाई कर रही है। इसका अभी क्लास ख़त्म हुआ, 12:40 में इसका क्लास ख़त्म हुआ, तो मैं क्लास कराई इसका, क्योंकि मुझे बैठना पड़ता है, अभी छोटा है तो इस वजह से साथ में बैठना ही पड़ता है। तो ये क्लास इसका जब ख़त्म हुआ, फिर मैं गई भजिया बनाई। मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, मैं भजिया बनाई और इन लोगों को थोड़ा अभी दी, बिना मिर्ची वाला, हरी मिर्च नहीं डाला है, बस सूखी लाल मिर्च। इसलिए देखो, देख के खा रहा है कि मिर्ची है कि नहीं, डाला नहीं है मैंने फिर भी। वो कड़ी में डालने के लिए बनाते हैं ना, वही भजिया बनाया, सिंपल ही है। तो मैंने बस इन लोगों को खाने के लिए भी दे दिया। हाँ, और मेरी कड़ी भी रेडी है, मेरी कड़ी भी बन गई है। ये देखो, कहाँ जा रही बेटा? मैंने भजिया बनाया था और अभी ये देखो, और कल मैं रात को केक बनाई थी, मेरे बेटे ने केक कर रहा था, वो सिंपल बिस्किट का ही बनाया था, चॉकलेट वाला बिस्किट का नहीं, क्योंकि जो घर पे था उसी से मैंने बना दिया। और अभी मेरे दोनों बच्चे भी, किट्टू तो सुबह ही नहा लेता है, और बेटी को भी मैंने नहला दिया आज 11 बजे, और उसके बाद उसको पढ़ाई कराया। घर के भी काम हो गए हैं, बस खाना बाकी है, सारा टोटल काम हो गया है, बस खाना खिला रही थी। अभी खिलाने के बाद मैं खाऊंगी, फिर वीडियो का एडिटिंग करूंगी कल का वीडियो का। और अभी क्या होता है ना, कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं बना पाती, बच्चों की वजह से टाइम भी नहीं मिल पाता है, इस वजह से लेट हो जाता है। लेट हो जाता तो फिर मेरा मन नहीं करता बनाने का, फिर भी मैं आज बना रही हूँ। मौसम इधर सुबह अच्छा था, फिर बारिश हुई, फिर ऐसा बादल छाए थे कि लगा कि कितनी ज़ोर से बारिश होगी। थोड़ा बारिश हुआ, 1 घंटे तक ऐसा मौसम बना रहा, वापस से ऐसा धूप हो गया है। ये रहा केक, और अभी चल रही हूँ मैं, और लोग तो शायद खा लिए, अब नहीं जा रही हूँ खाना खाने। देखो कैसे पीयू चढ़ के, देखो अपने ये लेने की कोशिश कर रही है, ये हाँ जल जाएगा, लो लो देखो, है छोटी सी पर इतनी बदमाश है। देखो ये हमारा खाना, कढ़ी, चावल, प्याज और ये गाजर और आम का, गाजर और आम मिक्स अचार है, मैंने गाजर और आम लिया है बस। और मेरे हस्बैंड आने वाले थे खाने के लिए, वो बोले सुबह टिफिन नहीं बनाऊँ, मुझे जल्दी जाना है, तो मैं खाने आऊँगा। खाना बना दिया, फिर वो बोलते हैं मैं शायद आ नहीं पाऊँगा, तो मुझे आलू की भुजिया भी बनानी थी, कड़ी था इसलिए मैंने कहा सब्जी नहीं, बस भुजिया बना देती हूँ, अच्छा लगता है वो, पर वो आएंगे नहीं इसलिए मैंने स्किप कर दिया, नहीं बनाया। अब मुझे ही तो खाना है,
अपने को खाना होता तो कुछ भी चलो जो बनाओ वो खा ले, कौन बनाने जाए, इसलिए मैं अब जा रही हूँ खाने। आ जाओ आप भी हमारे साथ। देखो अब ये क्या गिरा रही है, देख लो, ये कुछ ना कुछ करामात करते ही रहती है। तो है ना ये फाफड़ा, तो यहाँ गुजरात में फाफड़ा बोलते हैं, हम लोग तो चिप्स बोलते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, ये ज़्यादा खाता है, बेटी भी खाती है, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है, बच्चे खाएंगे और मैं भी खा लूँगी। और अभी टीवी ऑन हो गया, आ जाओ आप भी हमारे साथ खाने, कढ़ी चावल। तो अभी शाम का टाइम हुआ है, मैं चाय बना रही हूँ पीने के लिए। ये देखो पुट्टी निकल रहा है, यहाँ के पुट्टी पता नहीं कैसा है, निकलता ही रहता है, और बारिश में तो अक्सर ही निकलता है। कितनी भी अच्छे से रखो, वॉलपेपर लगवा लो, कुछ भी करो, पर वो निकलता ही रहता है। बच्चे मेरे खेल रहे हैं, ये देखो किट्टू को और पीहू को, सो के उठे हैं, तो दोनों सो के उठे, बस लग गए ट्वाइस में खेलने, अभी खेल रहे हैं। और मैं उठी, झाड़ू लगाई, कंघी किया, तेल लगाई हूँ, इसलिए कल रात को तेल लगाई थी सोते समय, कंघी नहीं किया था, आज सुबह कंघी अभी किया है कंघी। चाय बना लूँ पी लूँ, झाड़ू भी लगा लिया, चाय बनाऊँ पी लूँ, फिर बच्चों को नीचे ले जाऊँगी। बच्चों को भी थोड़ा नाश्ता दे दिया था, केक बनाई थी जो, ये देखो थोड़ा बचा है। आज मेरे बेटे का ट्यूशन नहीं है, इसलिए वो खुश भी है। इसकी मैं 2 दिन की छुट्टी रखी थी, कल भी नहीं था और आज भी, तो सोच रही हूँ कल भी ले गई थी नीचे घुमाने, तो आज भी ले जाती हूँ। जिस टाइम में ये पढ़ाई करता उस टाइम में आज भी नीचे थोड़ा घूम लेगा, खेल लेगा, अच्छा भी लगेगा उसे। और चाय पीने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी अपने दोनों बच्चों को लेके घुमाने के लिए, और दोनों खेलते भी है। ये मेरी पीहू की फ्रेंड है, उससे बड़ी है लेकिन पीहू के साथ खेलती है, बोलती है आंटी पीहू को दोनों मुझे खिलाना है, साथ में घुमाना है, तो मैं नीचे उतार देती हूँ, खेलती है। और ये देखो सौम्या है, और नीचे से सबको घुमा के खिला के आ गई थी ऊपर। मैं अपने खाने की तैयारी कर रही थी, आटा लगा रही थी मैं, तो आटा ही गूंदूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। सब्जी मैंने मंगवाया है बाहर से, ले आएंगे मेरे हस्बैंड, और कढ़ी चावल तो जो बचा था दिन का उसी को, चावल को कर दूँगी मैं फ्राई, और हो जाएगा, बचा हुआ खाना है तो वेस्ट क्या करें,
थोड़ा बचा हो तो चले, और ज़्यादा ही बचा था तो क्यों बनाए। इसलिए बस रो आटा गूंथ के मैं अपना बेटे को यहाँ पढ़ाने आई थी। बेटे गुस्से में अपना नोटबुक बंद कर दिया, बोला मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं उसको साथ में बैठ के नहीं पढ़ा कराने नहीं। और यहाँ आप देखो पीहू की चोरी, देखो कैसे चर के आटा ले रही है, ऐसे ही परेशान करती है। जब भी किचन में आती हूँ खाना बनाने, कुछ भी करूँ, बीच बीच में आके मुझे परेशान करते ही रहती है। और मैं यहाँ रोटी बना ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे, मतलब नीचे ही थे, फ्लैट के नीचे ही थे, तो मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और मैं बस रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि सब्जी तो ये ला रहे थे और दिन का कढ़ी और चावल बचा हुआ था, ये खाने आए नहीं थे, बोले थे कि मैं आऊँगा खाने, इसलिए मैंने बना दिया था। और खाना रहते हुए फिर क्या खाना बनाती, दो लोग तो खाते ही हैं और खाना फिर वेस्ट जाता। ये मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, और वो आ गए थे घर पे तो सब्जी लेके आए। ये देखो पनीर टिक्का है ये। अब मैं जा रही हूँ खाना लगाने, मेरा खाना कढ़ी चावल, ये दोनों दोपहर का है। मेरे हस्बैंड ने बोला था मैं आऊँगा खाने, वो आए नहीं, तो इसलिए उनका खाना बचा हुआ है। उनका खाना नहीं है, उनसे ज़्यादा ही बचा है, क्योंकि सिर्फ मैंने खाया था। और अभी मैंने रोटी बनाया, और अभी कढ़ी और भी है, ये देखो चावल भी अभी उसमें है कढ़ाई में, तो भी बच जाएगा। और ये मैंने मंगवाया था सब्जी, ये होटल से मंगवाया, हमारे नीचे ही खुला है नया, लगभग एक महीने हो गया है। मैंने कहा ले आइए रोटी क्या बनाने जाऊँगा, सब्जी क्या बनाऊँ, खा लेंगे। हाँ, और चावल भी बचा हुआ था, कढ़ी भी था, तो इसलिए मैंने सब्जी बनाई नहीं, इसको चावल को मैंने फ्राई कर दिया। और चल रहे हैं खाने, आप भी आओ। पीयू ने खाया, मैंने खाया, मम्मी खाए, पापा भी खाए, सभी सब ने खाया। पापा सो गए, पीयू सो गए, हाँ, और मम्मी ने मेरे सिर की मालिश की, मम्मी ने मेरे सिर की मालिश की, और पापा की भी सिर की मालिश की, पापा के सिर की मालिश की। और पीयू तो सो गई थी, ओली नहीं लगाई, हाँ पीयू सो गई। अब उठने के बाद सांप को उड़ना, नाइट हो गया, सोने का टाइम। वीडियो अच्छा तो लाइक करने का, बाय बाय, गुड नाइट।